हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके वूल स्टोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएं। तो फ्रेंड्स, से आज फिर से मैं आप सभी के लिए ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई वाली 3 तार में ऊन लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे से ओरिजिनल ओसवाल कंपनी की ऊन लेना चाहते हो, जिसमें 3 प्लाई 3 तार वाली है, 3 प्लाई सिंगल तार वाली है, 4 प्लाई सिंगल तार वाली है। बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर आपने बाकी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर वीडियो देखिए। सभी वीडियो में अलग अलग कलर दिखाए हुए हैं। और अगर आप मेरे साथ न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले तो जो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इसे आप सुषमा कुआड़ के नाम से अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। वीडियो से आपको जो भी कलर पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने ग्राम आपको ऊन लेनी है वो लिख दीजिए। शेड नंबर मैं आपको यहाँ पर बोलकर दिखाऊंगी, वो शेड नंबर साथ में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। मिनिमम ऑर्डर आपका 500 ग्राम रहेगा। 500 ग्राम से ऊपर आप जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। फ़ोनपे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, पेटीएम, जो भी सुविधा आपके पास हो सब तरह से पेमेंट हो जाएगी। अब आती है शिपिंग चार्ज की बारी। तो देखिए, ऊन में शिपिंग चार्ज बाई रोड 500 ग्राम से 800 ग्राम लगता है 100 रुपये, जिसमें से 50 रुपये आपका है और 50 रुपये मेरा है। और 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम ऊन का जो शिपिंग चार्ज बाई एयर लगता है वो 140 रुपये लगता है। 140 में से 70 आपका है और 70 मेरा है। तो ये हो गया शिपिंग चार्ज। प्राइज है 100 ग्राम ऊन का 80 रुपये, यानी 800 रुपये किलो की ऊन है। अब मैं आपको ऊन दिखा देती हूँ कि कैसी है, क्योंकि बहुत सारी बहनें 3 प्लाई 3 तार वाली को समझ नहीं पाती हैं और वो सिंगल तार लेना चाहती हैं और गलती से इसको ले लेती हैं। इसीलिए मैं अब हर वीडियो में ऊन को खोल के दिखाती हूँ कि ऊन कैसी है। ये देखिए बहन, ये है 3 प्लाई 3 तार वाली। इसमें ये 3 पतले पतले से धागे अलग अलग बने होते हैं। ऊन बहुत ही सॉफ्ट है, उनका कलर फेड नहीं होगा, आपका प्रोजेक्ट श्रिंक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊन पे रुआ बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस ऊन पे रुआ आता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस ऊन से आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर बड़े बुजुर्गों तक के कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, चाहे जुराब, कैप, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, शॉल, स्टॉल, कुछ भी बना लीजिए, बहुत ही सुंदर बन के आता है और बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है। इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज होती है। कार्डिगन, जैकेट, बच्चों के स्वेटर में जुराब वगैरह बनाते हो, जेंट स्वेटर बनाते हो तो बॉर्डर में 10 नंबर, ऊपर 9 नंबर, ऐसे इसमें सिलाई लगती है। तो ये हो गई है 3 प्लाई वाली ऊन, तरंग के नाम से आएगी। प्राइस मैंने कोने में डाल दिया है, 80 रुपये की 100 ग्राम ऊन है। जितनी लेना चाहो उतनी ले लेना। आप कलर मिक्स करके ले सकते हो। मेरी तरफ से एक बॉल एक कलर का, एक बॉल एक कलर का। 500 ग्राम ऊन लेना चाहते हो 5 कलर की ले लेना, लेकिन आप अपना देखना, आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके हिसाब से ऊन एक बार में ही पूरी मात्रा में लेना। कलर का स्क्रीनशॉट लेना। बहुत सी बहनें स्क्रीनशॉट नहीं भेजती हैं, ओनली शेड नंबर लिख देती हैं। इससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, कई बार वो मिस्टेक भी लग जाती है, गलत भी पैक हो जाता है। स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि हमें समझने में, पैक करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए आप या तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो कैटलॉग मैंने बनाया हुआ है इसी नंबर पर, उसे ओपन करके वहां से आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। लेकिन प्लीज़ बहनों, ऊन का स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो, बिना स्क्रीनशॉट के। शेड नंबर से क्या होता है ना कि जैसे सिंगल तार वाली है, 3 प्लाई वाली वह है, सबकी शेड नंबर तो लगभग मिलती जुलती होती हैं, तो समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भेजना। तो चलिए, अब मैंने आपको प्राइस बता दिया है, अब मैं आपको कलर शेड नंबर सहित बताती हूँ कि कौन सा कलर है और शेड नंबर कितनी है। ये देखिएगा, बहुत ही सुंदर है आपका, ये लगा लीजिए डार्क कलर है, ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन कलर है और शेड नंबर 7171 है। आप बिल्कुल डार्क स्किन कलर भी इसको बोल सकते हो, लेकिन डार्क स्किन ऐसा नहीं होता है, गोल्डन ही कलर होता है ये।
गोल्डन सी शेड है, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए परफेक्ट कलर है। शेड नंबर 71 यानी 71। शेड नंबर साथ में जरूर नोट कीजिएगा, शेड नंबर 71 है, गोल्डन कलर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने ग्राम ऊन लेनी है वो लिखिए, शेड नंबर 71 यानी 71 लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो ठीक है जी, एक कलर ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा कलर दिखाती हूँ, गाजरी कलर। ये देखिए कितना प्यारा सा गाजरी कलर है, बहुत सुंदर है। शेड नंबर है 28। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए बना सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत सुंदर है। जिन बहनों को बुनाई डालने में दिक्कत होती है ना इस ऊन से, वो आप प्लेन बना लेना, प्लेन भी बहुत सुंदर लगेगा आपका बनाया हुआ। और डिजाइन डाल के बनाओ तो फिर तो कहने क्या है, डिजाइन में तो बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनते हैं, बिल्कुल रेडीमेड जैसे। इस ऊन के बने हुए स्वेटर को कोई अनजान आदमी ये नहीं बता सकता कि ये हाथ के बने हुए हैं, वो यही कहेगा कि मार्केट की है, ये मशीन की बनी हुई है, इतनी सुंदर बनती है। शेड नंबर 28, गाजरी कलर। ठीक है जी, दो कलर हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ डार्क स्काई कलर। आप देखिए इसको ब्लू कलर भी, स्काई ब्लू कलर का ये, ब्लू कलर का ये जो आपको कहना, ये देख लीजिए कलर आपको दिख रहा है, सेम टू सेम इसका कलर आएगा, डार्क सा कलर है ये। और शेड नंबर है 32। ठीक है जी, शेड नंबर 32, 32 शेड नंबर 32। ठीक है जी, तीन कलर हो गए हैं। अब मैं आपको चौथा कलर दिखाती हूँ, डार्क ग्रे। अगर आप जेंट्स स्वेटर बनाना चाहते हो ना तो ये बहुत ही सुंदर कलर है जेंट्स के लिए। जेंट्स की इसकी बनी हुई फुल बाजू स्वेटर, हाफ बाजू स्वेटर, कैप, जुराब, टोपी, कुछ भी बनाइए। लेडीज़ के लिए हाफ जैकेट, फुल बाजू, कार्डिगन, बहुत सुंदर लगता है। छोटे बच्चों के लिए बनाओ, कोई भी कलर मिक्स करके बना लो, वाइट या क्रीम, बहुत सुंदर बनेगा। शेड नंबर 44 यानी 44, शेड नंबर 44 यानी 44, डार्क ग्रे कलर। अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जितने ग्राम ऊन लेनी है लिखिए, शेड नंबर लिखिए और भेज दीजिए। शेड नंबर 44 यानी 44। ठीक है जी, चार कलर हो गए हैं। अब मैं आपको पांचवा कलर दिखाती हूँ, ये देखिएगा रेडिश ब्राउन कलर है जी, बहुत प्यारा कलर है। ये पिछले साल नहीं आया था, इस साल ये कलर आया है, न्यू कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है। शेड नंबर 31 यानी 31, शेड नंबर 31 यानी 31, रेडिश ब्राउन कलर है। बच्चों के लिए, जेंट्स लेडीज किसी के लिए बनाइए, सभी के लिए परफेक्ट कलर है। शेड नंबर 31 यानी 31, रेडिश ब्राउन। ठीक है जी, पांच कलर हो गए। अब मैं आपको छठा कलर दिखाती हूँ, ये देखिएगा शेड नंबर 22, फालसा कलर। ये देखिएगा, आप डार्क पर्पल कह लीजिए या फालसा कह लीजिए, वो आप पर निर्भर करता है भाई आप इसको कौन सा नाम देना चाहोगे। बाकी ये फालसा ही कलर है। शेड नंबर 22 है, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। शेड नंबर 22, शेड नंबर 22 यानी 22। ठीक है जी, आप लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। एक बार फिर से शेड नंबर नोट कीजिए, शेड नंबर 22, 22। तो ये छः कलर हो गए हैं। अब मैं आपको सातवां कलर दिखाती हूँ, कैमल कलर। ये देखिएगा, जेंट्स स्वेटर बनाना चाहते हो तो जेंट्स के लिए इस तरह के कलर बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा तड़क भड़क के अगर कलर से स्वेटर बनाए ना जेंट्स की, वो ज़्यादा लुक नहीं देती है। इस टाइप के कलर से अगर हम जेंट्स स्वेटर बनाते हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, बहुत सुंदर लगती है। और हाँ, लेडीज़ की जैसे मान लिया थोड़ी सी 50 प्लस लेडीजों के लिए अगर आपको हाफ जैकेट या फुल बाजू स्वेटर, कार्डिगन कुछ भी बनाना हो ना, तो उनके लिए बहुत सुंदर कलर है ये, कैमल कलर है। शेड नंबर 18, शेड नंबर 18 यानी 18। ठीक है जी, शेड नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए, कैमल कलर है, शेड नंबर 18 है यानी 18 है। ये मैंने आपको सात कलर दिखा दिए हैं। अब मैं आपको इसका आठवां कलर दिखाती हूँ, बेबी पिंक कलर, शेड नंबर 7। ये मतलब डार्क पिंक में है, एक इससे लाइट में है, वो 4 नंबर है, वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप सबको। ये शेड नंबर 7 है, पिंक कलर। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर है, छोटे बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए। ये थोड़ा जेंट्स पे नहीं जचता ये कलर, क्योंकि जेंट्स के हिसाब से ये कलर नहीं है। हाँ, जैसे बच्चों के लिए बनाना हो, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए बनाना हो, तो ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। एक बॉल आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिएगा, ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल प्रॉपर सेम टू सेम कलर है इसका, पिंक में। और आप इससे छोटे बच्चों के लिए पूरा
सूट जो होता है वो बनाइए, बहुत प्यारा बनेगा। और इतनी सॉफ्ट होती है ना कि इसमें गर्माहट हद से ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है, किसी के लिए भी बना सकते हो। तो ये हो गया है आपका शेड नंबर 7 पिंक कलर, ठीक है जी। अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबको ये 8 कलर दिखाए हैं। 8 कलर मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाए थे, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। बाकी और भी ऊन की बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप एक एक करके देखते जाइए, जहाँ से जो पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो बहनों, अगर आप सबको आज का ये कलेक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जान पहचान वालों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे ओरिजिनल ओसवाल कंपनी की ऊन मंगवा सके और इसका फ़ायदा उठा सके। मेरे पास सिलाई, बटन, ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं। अगर आप जैसे ऊन लेते हो, ऊन के साथ में आपको सिलाइयाँ मंगवानी हो, तो उनकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई है। बाकी अगर आप अपना नंबर बताते हो कि मुझे 9 नंबर, 10 नंबर नॉर्मल या वायर नीडल जो तार वाली सिलाई होती है, जैसी भी चाहिए हो बता देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।